अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AZ बिटकॉइन यूनिवर्सिटी। इस चैनल को आप सिर्फ इस वजह से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन का पता चलता रहे, यानी बिटकॉइन की क्या प्रेडिक्शन है, बिटकॉइन कहाँ जाने वाला है, ताकि आपको अगर इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा तो आपको अपनी ट्रेड्स जो हैं, जितनी भी ट्रेड्स हैं उनको मैनेज करने में, उनको कंट्रोल करने में आपके लिए आसानी होगी कि कब किस ट्रेड को आपने आपके लिए ओपन करना सही रहेगा या कब किस ट्रेड को क्लोज करना, ये डिसीजन करने में आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो बिटकॉइन की जो हमने प्रेडिक्शन की थी वो हमने ये की हुई थी, जब मैं आपको एग्जैक्टली उस चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी कि बिटकॉइन तकरीबन नीचे, जब बिटकॉइन $62,400 पे चल रहा था, यानी तकरीबन ये जो प्राइस है इसी प्राइस पे ही था जब बिटकॉइन, उस वक्त मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि बिटकॉइन $60,800 या $60,700 तक नीचे जाएगा और उसके बाद BTC वापस ऊपर आना चाहिए, बिटकॉइन को अपसाइड डायरेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा मतलब जो लास्ट एक जो एनालिसिस था वो था। उसके बाद इस एनालिसिस का हुआ क्या, जैसे ही बिटकॉइन $60,700 के करीब आया, बिटकॉइन ऊपर गया, ठीक है, बिटकॉइन $63,400 तक गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बिटकॉइन थोड़ा सा कंसोलिडेट करके बिटकॉइन एकदम से नीचे गिर गया और बिटकॉइन गिर के तकरीबन $60,000 वाली सपोर्ट को उसने होल्ड किया, यानी $60,200 तक गया, वहाँ पे उसने होल्ड किया, फिर वापस से बिटकॉइन रिकवर कर गया। ठीक है, अब आगे इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है, मैं क्यों आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अब जो मेरी जो प्रेडिक्शन थी, एक कि मैंने आपसे कहा था कि बिटकॉइन $60,700 की सपोर्ट को टच सपोर्ट पे रहेगा और उसके बाद बिटकॉइन रिकवर करके बिटकॉइन को की जो एक जो डायरेक्शन है $67,000, यानी तकरीबन यानी $70,000 की रेंज उस तरफ बिटकॉइन को जाना चाहिए, और मैंने आपको जो लेवल बताया था वो 67 ही बताया था, 70 दूर हो जाएगा, $3,000 फर्दर ऊपर हो जाएगा, लेकिन $67,000, ठीक है, $67,000। ठीक है, अब उसके बाद लगातार चल क्या रहा है, अब बिटकॉइन की प्राइस क्या चल रही है, प्राइस अभी तक बिटकॉइन की $63,000 चल रही है। ठीक है, अब प्रेडिक्शन मेरी क्या थी कि बिटकॉइन $67,000 तक जाएगा, मतलब ये भी मैंने नहीं कहा था कि ओवरनाइट जाएगा, ये भी आपको बताया हुआ था कि बिटकॉइन स्लोली स्लोली जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, यानी आने वाले 10-12 दिन के अंदर जा सकता है, ये एक प्रेडिक्शन थी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और अंडरस्टैंड करने वाली है कि जब बिटकॉइन $63,000 पे था, वहाँ से बिटकॉइन क्रैश करके जब $60,200 के करीब आया, उसके बाद बिटकॉइन जब दोबारा ऊपर गया, ठीक है, यानी तकरीबन $62,000 के करीब गया बिटकॉइन जब गया, उसके बाद अगेन से अगर आप देखो तो बिटकॉइन वापस से $60,800 जो मैंने आपको एक मतलब एक रेंज बताई थी कि इस रेंज से बिटकॉइन मतलब ऊपर आएगा, तो वापस उस रेंज पे आया है दोबारा। ठीक है, अब देखें समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, अब समझने वाली बात यह है कि अब करंट प्राइस चल रही है $63,300 तक बिटकॉइन गया, तो अभी मतलब $62,800 के ऊपर बिटकॉइन चल रहा है। अब यहाँ पे होगा ये कि मैं आपको अब जो अपना एनालिसिस, ये सारे पीछे जितना भी मतलब ये चीज़ें चली हैं, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें, ये वाली जो पूरी खिचड़ी पकी है, ठीक है, और इसके बाद भी अगर थोड़ा पीछे भी जाओ तो ये चीज़ें भी, पीछे भी जो सिनेरियो था, ये सारा सिनेरियो जब हुआ, अब मैं देखें, अब आपको जो एनालिसिस अपना देने जा रहा हूँ वो ओवरऑल मार्केट को देखने के बाद, मार्केट के सेंटीमेंट्स को देखने के बाद, एक चीज़ आपको और भी समझा देता हूँ कि क्रिप्टो विंटर आपको बताना चाहिए किस चीज़ को बोला जाता है। क्रिप्टो विंटर एक ऐसे टाइम को बोला जाता है जब मार्केट बिल्कुल ठंडी पड़ी होती है, ठीक है, मार्केट के अंदर ट्रेडर्स एक्टिव नहीं होते ट्रेडर्स, और ना ही मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, वॉल्यूम बहुत ही थोड़ा होता है, वॉल्यूम का आउटफ्लो ज़्यादा होता है और इनफ्लो बहुत कम होता है न्यू वॉल्यूम का, ठीक है, तो वॉल्यूम की एक्टिविटी बहुत कम होती है। तो अब फाइनल मेरा जो अब करंट प्रेडिक्शन है सारा कुछ देखने के बाद, ये जो जिस लेवल पे बिटकॉइन चल रहा है, ठीक है, एक तो आप इसी प्रेडिक्शन को कैरी करो, वो जो लास्ट वाली प्रेडिक्शन थी कि बिटकॉइन को 63 मतलब जब उस वक्त जो भी प्राइस चली थी उस प्राइस से लेकर बिटकॉइन को $67,000 तक जाना चाहिए, अभी जो प्राइस चल रहा है $63,000 के अराउंड, इस प्रेडिक्शन को आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि बिटकॉइन मतलब ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर आपकी ट्रेड्स लगी हूँ ऑलरेडी मार्केट के अंदर, अगर आप एक्टिव हो, तो आपको ये चीज़ देखनी है कि अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो ठीक है, बिटकॉइन 65 के ऊपर भी, 64 के ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है, 65 के ऊपर भी रेजिस्टेंस है, लेकिन 67 का जो लेवल है ना, उस लेवल की तरफ बिटकॉइन को जाना चाहिए, अगर जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जाता तो अब आगे चेंज क्या होने वाला है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो चेंज होने वाला है ना, वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो बहुत ही क्रूशियल बात है, वो ये है कि अब अगर बिटकॉइन ये इस लेवल से गिरा, काफ़ी दफ़ा तकरीबन 63 के पास आके बिटकॉइन नीचे जाता रहा और बिटकॉइन इस लेवल को रिस्पेक्ट करता रहा, $60,700, ठीक है, या $60,600 के लेवल को बिटकॉइन रिस्पेक्ट करता रहा है, ठीक है, लेकिन अब नहीं करेगा, ठीक है, मुझे लगता है ऐसा, मेरा एनालिसिस ये है कि अब नहीं करेगा, अब अगर BTC नीचे गया तो बिटकॉइन $60,000 वाली जो सपोर्ट है उसको तोड़ देगा, ठीक है, उसको होल्ड शायद ना कर पाए, $60,000 की जो सपोर्ट है उसको होल्ड ना कर पाए। अब आप कहोगे कि आपने अपनी प्रेडिक्शन क्यों चेंज कर दी, देखिए प्रेडिक्शन होती है मतलब कंटिन्यूस एनालिसिस होता है, एक चीज़ बोली जाती है कीप कन्फर्मिंग योर ट्रेंड, ठीक है, यानी जिस ट्रेंड को आप देख रहे हो ना उसको कन्फर्म करते रहो, लगातार करते रहो, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दफ़ा देखा बस आप उसके बाद 10 दिन के लिए सो गए, नहीं, आपको लगातार कीप कन्फर्मिंग योर ट्रेड, कीप कन्फर्मिंग योर ट्रेंड, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब देखें
ये देखें एक दफ़ा यहाँ पे आया फिर वापस चला गया ऊपर, ठीक है। उसके बाद भी अगर देखें फिर एक दफ़ा 60,400 डॉलर तक आया, फिर ऊपर चला गया, फिर उसके बाद भी पीछे देखें फिर 60,187 डॉलर पे आया। अब जब आएगा तो मुझे लगता है कि 60,000 डॉलर की सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी, और अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन पे हो तो मे बी दिस कैन बी अ टाइम फॉर यू कि आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि इस लेवल के ऊपर 63 या 64 का जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर आप निकलना भी चाहो तो निकल सकते हो, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत कम लग रहा है मुझे, ठीक है, स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर आप स्पॉट ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉफिट पोटेंशियल मुझे कम दिख रहा है तो, लेकिन अगर आप मान के चलो आपकी ट्रेड लॉस के अंदर है तो आप उसको थोड़ा होल्ड कर सकते हो और ये वेट कर सकते हो कि मे बी शायद बिटकॉइन 67,000 डॉलर की तरफ अगर जाता है तो उसके लिए आप होल्ड करो, लेकिन अगर नीचे गिरता है तो फिर आपको मे बी अपने लॉसेस को भी कट करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 60,000 डॉलर की सपोर्ट को बिटकॉइन होल्ड कर पाए। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई कैन बी 100% रॉन्ग, लेकिन मुझे ये मेरा ये एनालिसिस है, मुझे ये लगता है। कोशिश करूंगा डेली बेसिस पे मैं आपको हर रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड किया करूंगा, जिससे मैं डेली बेसिस पे जो भी क्रिप्टो के सेंटीमेंट्स चेंज हो रहे होंगे, कोई भी कोई खास मेजर न्यूज़ होगी उसको देखते हुए या किसी भी तरह की, आगे फर्दर मैं आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो CPI डाटा आने वाला है 15 मई को, ठीक है, 15 मई को CPI डाटा आने वाला है, जो कि एक क्रूशल इवेंट है, इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, खैर ये US का नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का भी डाटा आने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 16 मई का, तो 15 और 16 मई को मेजरली, तो 15 मई को एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और 14 मई को PPI डाटा आने वाला है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, PPI भी और CPI डाटा भी, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी और प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको अपडेट करता रहूं, एक तो BTC की प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से डेली बेसिस पे कि बिटकॉइन का क्या डायरेक्शन रह सकती है, पॉसिबली किस तरफ बिटकॉइन जा सकता है, और सपोर्ट लेवल किस तरह से रिस्पेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। और दूसरा फिर मैं कोशिश किया करूंगा कि हर रोज़ एक न्यूज़, एक जो मेजर न्यूज़ है किसी भी तरह की, चाहे वो किसी न्यूज़ इवेंट के हवाले से है या कोई वैसे क्रिप्टो के हवाले से कोई मेजर न्यूज़ है बिटकॉइन के हवाले से, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगा। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन प्रेस कर लोगे तो जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट मेजर अपडेट यहाँ पे शेयर होगी तो आपको उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके बता दें। कुछ एनालिसिस भी थे, मैं उसकी वीडियो भी आज ही पोस्ट करूँगा, कुछ एनालिसिस थे उनकी वीडियोज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो के बाद। जैसे काफ़ी सारे लोग TRB का ARB का पूछ रहे थे, तो इस तरह आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप कमेंट कर देते हैं तो मैं आपको सारे एनालिसिस भेज दूंगा इन सारे कॉइन्स के वाले से। तो स्पेसिफिकली किसी कॉइन के अंदर अगर आप स्टॉक को कोई भी किसी भी तरह की चीज़ है आप उसका एनालिसिस मुझसे पूछ सकते हो, कॉइन का नाम नीचे बस लिख दें तो मैं उसका एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।